पंडित जी नमस्ते में आपका स्वागत है। कार्तिक महात्म में द्वितीय अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती व चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, जमुना या नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य का मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मैं भी तुम्हें नित मस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, उसे घोर नरक भोगना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है, उसके एक वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी और बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद तथा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस आदि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि, ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, घिया, गन, पेठा और दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, सलेक्ष, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इति द्वितीय अध्याय समाप्तम। विष्णु भगवान की जय।